विकास मोहम्मद अनायत, वेरी गुड इवनिंग अभय, विकास, अनूप, ओम, कविता, सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत गुड इवनिंग। चलिए तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्लास की हल्ला बोल सीरीज 2.0 का आगाज हम कर चुके हैं पहले ही, और आज तीसरी क्लास है इसके अंदर। और मैं आपको बता चुका हूं इस सीरीज में 600 क्वेश्चंस जो मुझे आपको ओवरऑल कराने हैं इसके अंदर। हर दिन 60 क्वेश्चंस की बात करते हैं हम लोग, 120 क्वेश्चन ऑलरेडी डन कर चुके हैं। तो क्या क्या इस सीरीज में रहता है वो ऑलरेडी आपको पता है, क्योंकि सारे सब्जेक्ट वाइज यानी कि जो पूरी की पूरी लिस्ट है चैप्टर्स की वो मैं आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूं। तो चलिए शुरुआत कर देते हैं। अगर सब कुछ बेहतर, सब कुछ क्लियर है, एसएससी जीडी का हो, सीएचएसएल का हो, सीजीएल का मेंस एग्जामिनेशन, बैंकिंग, रेलवे, पुलिस का हो, किसी भी एग्जाम की बात करो, बैंकिंग या इंश्योरेंस की, हमेशा आपके पास करंट और जीके के क्वेश्चंस तो रहने ही वाले हैं। चलिए भाई, सब कुछ बेहतर है, क्लियर है, एक बार यस कह दे जल्दी से। और बिल्कुल पढ़ाऊंगा 2022 की करंट अफेयर को भी करना होगा, बिल्कुल जीडी में नहीं भाई, 2022 कर लीजिए, 2020 क्या करेंगे आप। पहले क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए बताइए, चैंग लॉ किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? क्वेश्चन का आंसर करेंगे मुझे। और क्वेश्चन नंबर 121 है हमारा, चैंग लॉ ये किस राज्य का प्रमुख नृत्य है, डांस फॉर्म है, क्योंकि हमने बहुत सारे राज्यों और उनके डांस के बारे में बात की है, ओवरऑल मिलाकर आपको याद होना चाहिए। चलिए भाई कमेंट करेंगे इसके बारे में, पहला पॉइंट क्या कहता है भाई आपसे। देखिए भाई, अगर हम बात करें बहुत सारे डांस के बारे में, अगर मिजोरम की बात करें, एक बहुत फेमस डांस होता है यहां पर जिसे चिरो कहा जाता है। अगर बात नागालैंड की करें तो चैंगलो यही का डांस फॉर्म है, इसे याद रखेंगे। बात सिक्किम की करें तो सिक्किम में कई तरह के डांस जो हैं वो किए जाते हैं, उनमें से अलग अलग डांस आप याद रखेंगे। एक सिकमरी के नाम से डांस होता है, सिकमरी डांस फॉर्म ये यही का है। मणिपुर की बात करें अगर, मणिपुर के अंदर, क्योंकि मणिपुरी खुद में एक डांस फॉर्म है, तो मणिपुर का एक डांस फॉर्म मणिपुरी ही है, तो इसे आप याद रख सकते हैं। तो यहां पर सही क्वेश्चन जो होगा, चैंगलो जो एक डांस फॉर्मेट है ये नागालैंड राज्य से आता है। बात क्लियर है बस? चलिए सर ओके, तो नागालैंड चैंगलो का होगा। संयुक्त राष्ट्र का कौन सा अंग काम करना बंद कर दिया है, यानी आप जानते हैं संयुक्त राष्ट्र के अंदर कितने अंग, कितने भाग होते हैं, याद रखना 6 अंग होते हैं संयुक्त राष्ट्र के अंदर। और इन 6 अंग के अंदर, उसमें से आप देखेंगे ट्रस्टीशिप काउंसिल भी है, सचिवालय भी है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इसके अलावा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली भी होती है, और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, कुल 6 अंग होते हैं। लेकिन इसमें से जो ट्रस्टीशिप काउंसिल, एक्चुअली 1994 में इसके ऑपरेशन को बंद कर दिया गया, यानी फिलहाल 6 में से 5 ऑपरेटिंग है और एक नॉन ऑपरेटिंग, जिसे न्यास परिषद कहा जाता है हिंदी में, ट्रस्टीशिप काउंसिल कहा जाता है। कर्नाटक राज्य में रॉक कट गुफाएं कहां स्थित है बताना है, क्योंकि आप जानते हैं कि ज्यादातर भारत में, क्योंकि जो भारत का इतिहास रहा है यहां पर कट किया जाता है, रॉक पहाड़ों को कट किया जाता है और उन पहाड़ों पर बहुत सारे मंदिरों का निर्माण किया गया है। लेकिन ये मुख्य तौर पर अगर हम बात करें जो चालुक्य वंशज की बात करते हैं, बेसिकली हम रॉक कट केव्स जो उत्तर कर्नाटक राज्य में आती है वो कहां पर होंगी। चलिए भाई कर अभी मैं आपको बताऊं करेंट अफेयर्स। अच्छा, ये ट्रस्टीशिप काउंसिल बंद क्यों, क्या इसके पीछे रीजन, आपको कहानी लंबी हो जाएगी तब, अभी बात नहीं कर रहे उसकी। लेकिन फिलहाल रॉक कट केव्स की बात कर ले अगर, तो ये बादामी है, एक्चुअल में एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, क्योंकि कई बार डिस्ट्रिक्ट पूछा जाता है, तो बादामी एक नाम की जगह है जो कि बागलकोट डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, और ये बागलकोट डिस्ट्रिक्ट या जिला पड़ता है कर्नाटक राज्य में, क्योंकि हम जानते हैं कि कर्नाटक जो भारत का राज्य है यहां 31 जिले हैं कुल मिलाकर, जिसमें अभी हाल ही में रिसेंटली जो बना है वो विजयनगर बना है, और इसी में से कुछ हिस्से को कट किया गया था। तो चले भाई बादामी है यहां पर। अगला क्वेश्चन देख, संबलपुर और कटक शहर किस नदी के किनारे बसे हैं? संबलपुर और कटक शहर जो है ये किस नदी के किनारे बसे हैं? तो सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि संबलपुर और कटक कौन से राज्य में आते हैं,
ये उस राज्य की बात कर रहा हूं आपसे जहां 30 जिले लगते हैं, और उस राज्य की बात कर रहा हूं जहां धानु यात्रा और बाली यात्रा जैसे त्योहार मनाए जाते हैं। ये वो राज्य है जहां पर गणेशी लाल राज्यपाल हैं, और ये राज्य है कटक राज्य के अंदर दो शहर, और हम जानते हैं मुख्य तौर पर कटक में जो नदी बहती है वो महानदी है जिस पर हीराकुंड डैम बना हुआ है। तो महानदी हीराकुंड डैम पर होंगे संबलपुर और कटक शहर। अबोहर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? अबोहर नेशनल पार्क कहां पर होगा? हमने राजस्थान के कई सारे नाम याद किए हुए हैं, रणथंबोर नेशनल पार्क राजस्थान में है, केलाव देव नेशनल पार्क राजस्थान में है, सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान में है, ब्लैकबग नेशनल पार्क गुजरात में है, और गिर नेशनल पार्क गुजरात में, वंसदा नेशनल पार्क गुजरात में, सुल्तानपुर नेशनल पार्क हरियाणा में आता है, और पंजाब में आता है, इसका नाम है अबोहर नेशनल पार्क। तो जो मैं आपसे कह रहा हूं वो सुन रहे हैं आप लोग बिल्कुल ध्यान से, तो अबोहर नेशनल पार्क जो है वो पंजाब राज्य में है जहां 23 जिले लगते हैं पंजाब में। भगवंत मान की सरकार है, और हाल ही में जो यहां के राज्यपाल है उनका नाम आप चाहे तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। बात क्लियर हो रही है? बिल्कुल, मैंने बताया जो क्लास चालू की है, और चलिए भाई एक्सप्रेस क्लास अलग है, डेली करंट अफेयर होती है रोज सुबह 7 बजे, कैरियर व्हील ऐप पर, और वो बिल्कुल फ्री होती है, आप उसे भी कर सकते हैं मेरे साथ। चलिए भाई, निम्नलिखित में कौन सा ग्रैंड स्लैम रोलैंड गैरोस के नाम से भी जाना जाता है? आपको पता है कि एक साल में टेनिस के अंदर 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, और सबसे पहले अगर सीक्वेंस की बात करें तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, उसके बाद फ्रेंच ओपन होता है, फिर विंबलडन होता है, और सबसे लास्ट में यूएस ओपन होता है। अगर सीक्वेंस की बात करें, ये सबसे पहले होगा फ्रेंच ओपन, उसके बाद होगा विंबलडन जो कि ब्रिटेन में होता है, वो उसके बाद, और उसके बाद यूएस ओपन कराया जाएगा। ये सीक्वेंस को याद रखिएगा, और इनमें से रोलैंड गैरोस कहा जाता है जो कि फ्रेंच में होने वाला, फ्रांस में होने वाला ओपन है, इसको निकनेम दिया गया है इस तरह से। बात क्लियर रहेगी? चलिए ओके, बिल्कुल याद रखेंगे, सीक्वेंस याद रखेंगे, इस बार के विजेताओं के नाम पर मैं लिस्ट बनाऊंगा तो आप उसे याद रखेंगे। भारत में शेरशाह सूरी का मकबरा कहां स्थित है? शेरशाह सूरी आप जानते हैं, ये वही है जिन्होंने रुपी की स्टार्टिंग की थी, और फिलहाल अगर आप देखते हैं भारत में इनकी शुरुआत होती है, और इनका जन्म भी हुआ है, मृत्यु भी हुई है, और आप देखिए इनकी यानी जो दफनाया गया, दफन किया गया है, इनका जो मकबरा टॉम्ब बनाया गया है जो सासाराम जिले में आता है, और सासाराम कहां पड़ता है? तो सासाराम पड़ता है बिहार के अंदर, तो बिहार के सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा है। चलिए भाई अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रतिवर्ष इको रिट्रीट फेस्टिवल मनाया जाता है? अब बहुत परेशान थे कि वो सारे सवाल जो एग्जाम में बार बार आते हैं, और बार बार अगर आप करोगे देखो क्वेश्चंस को ना, तो सॉल्व हो ही जाएंगे आपसे एक दिन, और ये सवाल आया हुआ है प्रीवियस ईयर के अंदर। इको रिट्रीट नाम का एक फेस्टिवल है जो कि एक बीच पर मनाया जाता है, और इस तरह के जो थोड़े से जो एरियाज हैं आपको पता है किसी ऐसे एरिया में होगा जो कि समुद्री इलाके से लगता होगा, और यह फेस्टिवल मनाया जाता है उड़ीसा के अंदर, तो उड़ीसा का एक फेस्टिवल है। जैसे आप जानते हैं बिहार में एक छठ पूजा बहुत फेमस है, बिहार में छठ मनाई जाती है। जैसे कि अगर मैं बात तमिलनाडु की करूं आपसे, क्योंकि हमने लगभग लगभग सारे फेस्टिवल याद करने हैं, किसी एक या किसी दो से काम नहीं चलेगा। अगर हम तमिलनाडु की बात करते हैं तो यहां पर एक चिथिरई नाम का फेस्टिवल होता है, एक चिथिरई फेस्टिवल होता है जो कि तमिलनाडु में होता है। उड़ीसा में तो त्योहारों की लिस्ट लगी हुई है, और अगर हम बात सॉरी असम की करते हैं तो मैं यहां पर एक और नाम आपको देता हूं, एक वंशुवा नाम का फेस्टिवल होता है, तो वंशुवा फेस्टिवल होगा असम के अंदर। चलिए भाई नेक्स्ट पर आते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से, चलिए भाई बताइए मुझे, उड़ीसा के एक लोक नृत्य प्रकार रणपा, यह रणपा एक त्योहार है, लोक नृत्य है, और इसमें भगवान के किस रूप में, भगवान की यानी जीवन चरित्र को नृत्य के माध्यम से दर्शाया जाता है? तो रणपा एक फोक डांस है, और इसके अंदर क्या बताया जाता है? गरिया पूजा उड़ीसा नहीं त्रिपुरा है गरिया पूजा, और केर पूजा भी त्रिपुरा के अंदर आता है मुख्य तौर पर। तो यह सवाल देखिए बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन होने वाला है, और चलिए भाई यहां पर आपको शुरुआत करना है,
और छठ मैया होती है, बिल्कुल आप जानते हैं। तो रणपा जो जीवन चरित्र के नृत्य को दर्शाता है यहां पर, ये भगवान कृष्ण के जीवन चरित्र को माध्यम को प्रश्न किया गया। तो इसलिए याद रखना रणपा एक फोक डांस है। देखो आपकी जो लिस्ट बन रही है ना, उस लिस्ट के अंदर बहुत काम की चीजें हैं, आप उसको आगे लिखते चले जाया करें। जब आपने उड़ीसा राज्य लिखा हुआ उसके आगे डैश कर कर करके सारे राज्य नाम लिख लें जो भी डांस फॉर्म आपको वहां से याद है, क्योंकि मुख्य तौर पर वहां उड़ीसी होता है, ठीक है, उड़ीसा के अंदर। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी शांति पुरस्कार के अंतर्गत कितनी पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है, यानी अहिंसा के कदमों पर चलते हुए, गांधी जी के बताए हुए रास्ते पर चलते हुए, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक तौर पर कुछ बेहतर करने के लिए यह अवार्ड दिया जाता है, महात्मा गांधी शांति पुरस्कार। हर साल यह अवार्ड दिया जाता है, जनरली प्रधानमंत्री इस व्यक्ति को चुनते हैं जो इसके लिए नामित किया गया, लेकिन उसको पुरस्कार राशि में कितना दिया जाता है। देखो सवाल बार बार बदल रहे, बार बार चेंज होते रहेंगे क्वेश्चन आपके पास। तो महात्मा गांधी शांति पुरस्कार में 1 करोड़ रुपए की राशि दी जाती है। क्लियर हो रही है बात, इसे लिख लेंगे सारे अवार्ड्स के अंदर। और ये अहिंसा के चीजों पर दिया जाता है सामाजिक कल्याण के लिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि कौन सी रिपोर्ट को वर्ल्ड बैंक द्वारा प्रकाशित किया जाता है। देखो हमारा काम सिर्फ ये बताने का नहीं है कि कौन सी रिपोर्ट को वर्ल्ड बैंक बनाने का है, लेकिन मैं चाहता हूं आप मुझे चारों रिपोर्ट का जवाब दें, कि अगर मुझे नहीं भी पता हो क्वेश्चन तो मेरा सॉल्व होना चाहिए वहां पर। और अगर आप मुझे चारों के आंसर करके बताएं, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक कौन बनाता है, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक कौन, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कौन बनाता है, तो देखो याद आना चाहिए कि सर ये ग्लोबल फाइनेंशियल एंड स्टेबिलिटी आपने याद कराया है हमें, ये IMF बनाता है, और जो वर्ल्ड सोशल एंड इकोनॉमिक आउटलुक है इसे याद कराया मैंने, ILO बनाता है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बनाता है, और वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक को IEA इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो होती है IEA के नाम से वो बनाती है। तो यहां पर एक क्वेश्चन बचता है कि कौन बनाता है इसे, तो आप कहोगे वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो पब्लिश की जाती है वो होगी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। बात क्लियर हो रही यहां तक। चलिए भाई वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट कौन बनाता है, जो इन आपके पास सारी रिपोर्ट्स वाला पोर्शन है ना भाई, सारी रिपोर्ट्स वाला पोर्शन है उसमें इसको मेंशन कर लीजिएगा, जो नई जानकारी मिले ऐड करते चलिएगा। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट का प्रकाशन कौन करता है हर साल, इस रिपोर्ट को बनाया जाता है। देखो एक UNCTAD नाम की संस्था है, एक UN ECOSOC बोलते हैं इसे, एक UNSC और एक UNIDO के नाम से है। देखो याद रखो कि हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक मकसद है, ये इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल है, ये सिक्योरिटी काउंसिल है, ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए काम करती है। तो इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट कौन बनाएगा, ये ट्रेड और डेवलपमेंट के लिए काम करती है। तो अंकटाड नाम की एक संस्था है जिसका मतलब है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। बात समझ रहे हो, ध्यान से बिल्कुल याद रखेंगे। और ये कहां पर है तो याद रखना, ये जेनेवा के अंदर है, स्विट्जरलैंड के अंदर। और हर साल इन्वेस्टमेंट की रिपोर्ट आती है इसमें, भारत अब की बार 7वें नंबर पर रहा था, लगातार भारत इसमें आगे बढ़ता है। चलिए भाई आगे देखते हैं। साजो इज अ फेमस फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट, साजो किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है, प्रसिद्ध फेस्टिवल है, और यह त्योहार मनाया जाता है। और कहा जाता है कि जो भगवान है वो कुछ दिनों के लिए वो स्वर्ग जाते हैं, यानी कुछ लगभग 15 दिनों के लिए स्वर्ग जाते हैं, और 15 दिनों के बाद फिर वो वापस आते हैं, यानी इस धरती पर दोबारा से उनका आगमन होता है। और लगभग ये त्योहार मनाया जाता है भारत के किस राज्य में, बहुत ही बड़े तरीके से, तो याद रखेंगे हिमाचल प्रदेश के अंदर। तो हिमाचल प्रदेश में देखो ज्यादातर हालदा और साजो ये दो फेस्टिवल हैं जो मुख्य तौर पर देखो यहां मनाए जाते हैं, एक हालदा और एक साजो। लेकिन अगर मैं बात करूं उत्तराखंड के बारे में, तो उत्तराखंड में मैंने आपको याद कराया था, देखो एक हरेली फेस्टिवल होता है जो हरेला के नाम से, जो उत्तराखंड में होता है, तो हरेला के नाम से एक इगास के नाम से होता, ये भी यहां पर होता, और एक छपेली के नाम से वो भी यहां पर होगा।
देखो यहाँ पर कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज थे पिछली क्लास में, मुझे बिल्कुल याद आता है कि वो कह रहे उत्तर प्रदेश के अंदर छपेली क्यों लिखा गया। देखो छपेली जो डांस फॉर्म है एक तरह से ये उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों जगह का है। जिस तरह मैं आपको याद करा दूं कि लौसार जो है वो सिक्किम का भी है, लौसार लौसोंग भी सिक्किम का है और लौसार आपका लद्दाख में भी होता है, क्योंकि ये एक ट्राइबल जो कम्युनिटी है ना उसका होता है और वो ट्राइब के लोग लद्दाख में भी होते हैं और सिक्किम में भी होते हैं ज्यादातर। तो इसलिए याद रखना लद्दाख में लौसार भी होगा और स्पीतिक गस्टर के नाम से जो होता है बेसिकली स्पीतिक गस्टर ये भी होने वाला है, ये भी एक त्यौहार है। और कश्मीर में तो बहुत सारे त्यौहार हैं जिसमें एक होता है हेरात के नाम से, एक होता है हेरात और एक होता है, तो इस तरीके से आप बहुत सारे त्योहारों को याद कर सकते हैं मेरे साथ लगातार जुड़कर। साजो जो होगा ये हिमाचल प्रदेश का होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं भाई, बिल्कुल बताएं मुझे। और लास्ट में यार तीन नंबर से रह गया था, इस बार उम्मीद करते हैं भाई कोई नहीं रहेगा सो, तो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों का होगा छपेली, याद रखना। प्रसिद्ध कल्पति रथ उत्सव जो है ये किस राज्य से संबंधित है? देखो बहुत सारे रथ उत्सव मनाए जाते हैं, जैसे बलराम की रथ यात्रा है, बलराम रथ यात्रा ये पंजाब में होती है, जैसे कि पुरी जगन्नाथ जी की रथ यात्रा उड़ीसा में होती है, जैसे कि मेदाराम यात्रा कर्नाटक तेलंगाना में होती है, जैसे कि मैंने बताया कल्पति रथ उत्सव के नाम से है ये एक फेस्टिवल जो हर बार मनाया जाता है केरल के अंदर, तो केरल में एक त्यौहार है कल्पति रथ उत्सव। लेकिन इसके अलावा अगर आप देखो, मैंने आपको याद कराया है केरल में ओणम भी होता है, आप जानते हैं फसल की कटाई होती है तो फसल काटने के समय जो होता है वो ओणम होता है, इसी तरह से अटुकल पोंगल भी होता है, ये भी आपको याद रखना है। और इसके अलावा अगर आप देखें तो सुंदेश्वर सुंदेश्वर सुंदरेश्वर सुंदरेश्वर ये भी एक त्यौहार है जो कि केरल राज्य में मनाया जाता है, तो केरल में कई सारे हैं और रथ कल्पति रथ उत्सव उनमें से एक होने वाला है। तमिलनाडु की बात कर चुके, उड़ीसा की बात करते हैं, बेसिक तौर पर सही आंसर होगा केरला। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, हेरात फेस्टिवल। देखो ये बार बार पढ़ने का तरीका है, ये बार बार पढ़ने से फायदा मिलता है। देखो अभी अभी हमने बात की हेरात फेस्टिवल के बारे में और अब हमारे पास क्वेश्चन आ चुका है, तो हेरात फेस्टिवल जो होगा देखो मैंने बताया लद्दाख में भी लौसार होता है, इसलिए कंफ्यूज मत होना, सिक्किम में भी लौसार होता है और सिक्किम में लौसार के अलावा लौसोंग नाम से अलग से होता है, ठीक है। उत्तराखंड में एक फूलदेई के नाम से त्यौहार होता है, एक फेस्टिवल है फूलदेई के नाम से, यह भी उत्तराखंड में मनाया जाता है, क्योंकि हम सिर्फ दो ही याद कर ले ऐसा नहीं हो सकता, हमको अलग अलग चीजों को याद रखना है, फूलदेई उत्तराखंड में होगा लेकिन यह हेरात उत्सव जो होगा ये जम्मू कश्मीर में होगा। तो आज की स्पीड की वजह क्या है, पहले ऑलरेडी याद कर चुके हम लोग। चलिए भाई आगे देखते हैं, भारत की सबसे छोटी आंध्र भूमि कौन सी है, सबसे छोटा वेटलैंड या फिर सबसे छोटी रामसर साइट कौन सी है? और देखो हम कितनी बार याद कर चुके हैं कि भारत में कितनी रामसर साइट है, 75। सबसे ज्यादा कहां पर है, यूके में 175, याद आ रहा होगा। भारत में पहली कौन सी बनी है, वो है चिल्का लेक, भारत में सबसे पहले चिल्का झील बनी है। भारत में सबसे बड़ी कौन सी है, तो भारत में सबसे बड़ी रामसर साइट सुंदरबन है, और भारत में ये सुंदरबन बंगाल में आती है, लेकिन अगर सबसे छोटी पूछ लेता है आपसे तो ये रेणुका लेक है, और ये जो रेणुका लेक होने वाली है ये होने वाली है आपके पास हिमाचल प्रदेश के अंदर, सबसे छोटी लेक होगी। वैसे अगर आप देखो तो हिमाचल प्रदेश में चंद्रताल के नाम से भी होती है, उत्तराखंड में सूर्यधर के नाम से होती है, तो याद रखेंगे रेणुका लेक जो कि हिमाचल प्रदेश में आती है सबसे छोटा रामसर स्थल होगा, सुंदरबन सबसे बड़ा होगा। निम्नलिखित में कौन यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में नहीं आता? अब आपको पहले यह पता हो विश्व धरोहर स्थल कितने हैं, तो विश्व धरोहर स्थल भारत में 40 है और सबसे ज्यादा 58 या 68 हाँ बिल्कुल, ये सबसे ज्यादा जो है वो इटली में है, 40 भारत में है, और भारत में इन 40 के अलावा मैंने बताया 14 वो हैं जो इंटेंजिबल हैं, जो 14 है वो देखे नहीं जाते, वो अमूर्त हैं,
लेकिन इनमें से अगर हम बात कर रहे हैं कि 40 लिस्ट की बात करें, और यह भी बताया कि सबसे पहले जो था 1983 में जोड़ा गया भारत में पहला, और 83 से भारत में शुरुआत हुई, लेकिन लोटस टेम्पल जो दिल्ली में कमल मंदिर है वो नहीं होगा, बस समझना, और उसके अलावा हुमायूं टॉम्ब होगा, जंतर मंतर होगा, लाल किला भी होगा, लेकिन लोटस टेम्पल नहीं होगा। चलिए भाई आगे देखते हैं, महाराणा प्रताप हवाई अड्डा निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो महाराणा प्रताप हवाई अड्डा कहां पर होने वाला है, और इसके बारे में देखिए याद रखिएगा, क्योंकि यहां सारे नामों को याद रखना है हमारा काम। फिर से मैं कह रहा हूं, एक लिस्ट होनी चाहिए जहां पर पूरे एयरपोर्ट के नामों का जिक्र हो, और अगर 50 एयरपोर्ट भारत के मुख्य हैं तो वो सब याद होने चाहिए, कुछ नहीं छोड़ना आपकी बार हमें। जैसे कि आप जानते हैं चंडीगढ़ में जो है वो कौन होगा, हमारे शहीद सुभाष चंद्र, सॉरी जिसे हिसार में महाराजा अग्रसेन के नाम पर होगा, महाराजा अग्रसेन के नाम पर होगा हिसार के अंदर। जैसे कि श्रीनगर यानी जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो शेखुल आलम के नाम पर है, इसे शेखुल आलम एयरपोर्ट कहा जाता है, ठीक है, शेखुल आलम के नाम पर है। उदयपुर में महाराणा प्रताप के नाम पर है, और जो अभी चंडीगढ़ का बन रहा है आप जानते हैं शहीद भगत सिंह जी के नाम पर, तो शहीद भगत सिंह जी के नाम पर चंडीगढ़ में होगा। तो इस तरीके से अगर आप याद रखते हैं, और इसके अलावा मैंने बताया रिसेंट में जितने भी नाम बने हैं उनको भी याद रखेंगे, तो यहां पर राजस्थान के उदयपुर शहर में होगा महाराणा प्रताप जी के नाम पर। अगर आप इसकी लिस्ट चाहते हो ना, सिर्फ सर्च मार लो एयरपोर्ट बाय राशिद सर, पूरे 50 नामों की लिस्ट आपके पास होगी, पीडीएफ होगी, फिर उसको याद कर लो। अगर गलती हो रही है अगले लेक्चर में नहीं होनी चाहिए। चलिए भाई आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आयुष मंत्रालय के वर्तमान कैबिनेट मंत्री कौन है? देखो हर तरह का एक सवाल है, लेकिन सवाल फिर यह कहता है ये चारों मंत्री हमें याद होने चाहिए, इनके पास कौन कौन से मंत्रालय हैं वो याद होने चाहिए, क्योंकि अगर गलती हो रही है तो हो सकता है ये सवाल नहीं बल्कि कुछ और पूछे एग्जामिनर। हरदीप सिंह पुरी की बात करूं तो दो मंत्रालय इनके पास आते हैं, एक तो आता है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर नाम का मंत्रालय है, आवासीय और शहरी मामलों का मंत्रालय वो इनके पास आता है, और एक दूसरा मंत्रालय आता है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। अब देखो ये भी याद होना चाहिए कि पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस का जो मंत्रालय है ये भी हरदीप सिंह पुरी जी के पास आता है। नरेंद्र सिंह तोमर जी के पास एग्रीकल्चर वाला ही आता है, मात्र एक ही आता है, एग्रीकल्चर एंड फैमिली वेलफेयर, एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। धर्मेंद्र प्रधान जी के पास दो आते हैं, एक तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन आता है और एक दूसरा मंत्रालय भी आता है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल एंड मिनिस्ट्री ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट, जो एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट वाला मंत्रालय है, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट वाला जो है ये वाला मंत्रालय भी इन्हीं पे आता है। और सर्वदानंद सोनोवाल के पास भी दो मंत्रालय आते हैं, एक आयुष मंत्रालय आता है और साथ में जो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग वाला मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग पोर्ट एंड वाटरवेज, इस नाम का जो मंत्रालय है वो आता है। तो अब यहां पर क्योंकि एक पूछा है और हमने चार नहीं पांच छह याद कर लिए हैं, अगली बार गलती नहीं होने वाली। चलिए सर्वदानंद सोनोवाल। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एनिमल वेलफेयर कहां पर है? चलिए भाई नींव रखी है संसद की, बिल्कुल हरदीप सिंह पुरी जी ने ही नींव रखी थी संसद की, राष्ट्रीय पशु कल्याण संस्थान कहां पर होगा? फरीदाबाद में, भुवनेश्वर में, पटियाला या फिर इंदौर में, एनिमल वेलफेयर के लिए। तो यहां पर देखो मैं ऑलरेडी बताऊं कि ये लिस्ट आपके पास होनी चाहिए, जिससे एनिमल हेल्थ को लेकर मैंने बागपत में बताया था, पशु चिकित्सा को लेकर बरेली उत्तर प्रदेश में बताया था, उसी तरह एनिमल वेलफेयर को लेकर फरीदाबाद में है जो कि हरियाणा में आता है, इसी तरह से आपने कटक में राइस इंस्टीट्यूट याद करा हुआ है, कानपुर में पल्सिस का याद किया हुआ है, डेयरी रिसर्च जो दूध के लिए ये करनाल में आता है, इसी तरह जो वीट गेहूं रिसर्च के लिए ये भी करनाल में आता है, ड्रग्स वाला लखनऊ में याद करा हुआ है हमने। बात क्लियर हो रही होगी यहां तक? तो ये छोटे छोटे पॉइंट, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करें तो ये गाजियाबाद में आता है, वो भी उत्तर प्रदेश में आता है, यहां पर
तो ये छोटे पॉइंट्स को याद रखना और आगे बढ़ते जाना है। नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज म्यूजियम कहां पर होगा, सारे इंस्टीट्यूशन सारे चीजें याद रखना है। और एनिमल्स से है मैंने बताया, लेकिन वो एनिमल्स वेटनरी एनिमल्स हेल्थ जो है वो चिकित्सा को लेकर कहा गया है, एनिमल हेल्थ को लेकर अलग चीज है। नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज म्यूजियम कहां बन रहा है, जो समुद्री विरासत है, जो भारत के एयर जो इंडियन नेवी है और उससे रिलेटेड चीजें हैं, इनका एक बनाया जा रहा संग्रहालय लोथल के अंदर। यह संग्रहालय कहां बन रहा है, लोथल में बन रहा है। और लोथल जो पड़ती है वो जगह कहां पड़ती है, गुजरात में पड़ती है, तो याद रखेंगे लोथल गुजरात में। जैसे कि गोवा में बन रहा है जीएसटी म्यूजियम जो है, जीएसटी एंड कस्टम म्यूजियम गोवा में बन रहा है। इसी तरह बहुत सारे म्यूजियम है हमारे पास, बहुत सारे संग्रहालय बने हुए हैं। आरबीआई का म्यूजियम भी है जो कि कोलकाता में बना हुआ है। चंदन का म्यूजियम है, जो चंदन होती है सैंडलवुड कहते हैं, इसका जो म्यूजियम है ये कर्नाटक में बना है मैसूर के अंदर। क्लियर हो जाएगी बात यहां तक। चलिए भाई आगे पढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है। निम्नलिखित में किस राज्य की सीमा म्यांमार और बांग्लादेश के साथ लगती है, क्योंकि भारत म्यांमार के साथ और बांग्लादेश दोनों के साथ अपने बॉर्डर को साझा करता है, तो भारत का वो कौन सा राज्य है जो दोनों से बॉर्डर लगाता है, मणिपुर मिजोरम त्रिपुरा या फिर नागालैंड। तो याद रखेंगे कि भारत जो म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा करता है, क्योंकि सबसे बड़ी सीमा तो बांग्लादेश के साथ करता है। क्योंकि मेरा सवाल यह है कि लगभग आप बताओ मुझे कि भारत के कितने राज्य ऐसे हैं जो अपनी सीमा साझा करते हैं किसी और देश के साथ, तो उसमें से बांग्लादेश के साथ कितने राज्य करते हैं और म्यांमार के साथ कितने करते हैं। तो देखो याद रखना, बांग्लादेश के साथ लगभग 5 राज्यों की साझा सीमा लगती है जो कि 4096 किलोमीटर की है लगभग, और म्यांमार के साथ 4 राज्यों की सीमा लगती है जो कि लगभग लगभग 1600 या 1700 के करीब करीब आती है, 1650 मान के चलिए 1643 किलोमीटर की आती है। लेकिन एक ऐसा राज्य जो दोनों के साथ कॉम्बिनेशन में रखता है वो मिजोरम है, बाकी 4 डिफरेंट होते हैं भाई। तो मिजोरम रहेगा म्यांमार और बांग्लादेश के साथ। आंध्र प्रदेश राज्य में कितने जिले हैं अभी, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स इन द आंध्र प्रदेश स्टेट। देखो अलग अलग तरीके के सारे सवाल है, मैप के साथ लेकर आए, क्योंकि देखो वहां परेशानी सबसे ज्यादा होती है नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में। तो आंध्र प्रदेश राज्य में कितने जिले हो चुके हैं, क्योंकि अगर इस तरह जिलों की बात मैं आपसे करूं, सभी राज्यों के जिले याद होने चाहिए, जहां संख्या बदल रही है खासतौर पर याद होने चाहिए कि मध्य प्रदेश में तो 52 है, याद रखेंगे 75 तो उत्तर प्रदेश में है उम्मीदों के, असम में 34 है आसाम के अंदर, और अब आंध्र प्रदेश में 26 हो चुके हैं, मैंने बताया हरियाणा में तो 22 हैं, पंजाब में 23 हो चुके हैं, जम्मू कश्मीर में 20 हैं, लद्दाख में 2 हैं, हिमाचल प्रदेश में 12 हैं, उत्तराखंड में 13 हैं, राजस्थान में बात कर लेते हैं 33 की, गुजरात में बात कर लेते हैं 33 की, और यहां पर बात महाराष्ट्र की कर लें तो 36 होते हैं। गोवा में मात्र 2 जिले हैं, बिहार में अगर जिलों की संख्या की बात करें तो वो 38 हो जाते हैं, 38 हो जाते हैं। फिलहाल अगर बात कर रहा आंध्र प्रदेश की तो 26 जिले आते हैं। ये सब आपके ट्रिक पे याद होना चाहिए, क्योंकि अभी 13 जिलों को डबल करके 36 कर दिए, और वेस्ट बंगाल में 23 की जगह 30 कर दिए, वेस्ट बंगाल में भी 30 कर दिए, उड़ीसा में भी 30 कर दिए हैं, याद रखना। तो दोनों जगह की संख्या 30-30 हो चुकी है। टाडोबा लेक इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, लोनार लेक हो या टाडोबा लेक हो, ये दोनों लेक आपको कहां मिलेंगी, और मैंने आपको बताया इसी तरह से बहुत सारी लेक आपको याद करनी है, जैसे कि मैंने बताया यशवंत सागर लेक। अब ये वाली जो झील है यशवंत सागर लेक जो है ये कहां मिलने वाली है, या साक्ष्य सागर लेक जो है वो कहां मिलेगी। अब इनमें से जो आपकी लिस्ट में अवेलेबल ना हो, झीलों के वाले पेज पे जाओ ढूंढ लो, राजस्थान की बात करो तो यहां पर कई सारे लेक या झीलें आपको मिल जाएंगी राजस्थान के अंदर, और फिर उनमें से आप देखिए कि कौन कौन से आपको याद रखने हैं, कौन कौन से यूज की जरूरत है नहीं है, होपफुली वो काम हो जाएगा। चलिए भाई, तो राजस्थान में जैसे आप देखोगे एक होती है पिछोला लेक के नाम से, एक होती है राजसमंद लेक के नाम से, और एक सांभर लेक तो बहुत फेमस है, उसकी तो जरूरत ही नहीं है, राजसमंद, और एक होती है सांभर लेक।
गुजरात में आ जाएं, अगर गुजरात की रीजन की बात करें तो गुजरात में भी आपको कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाएगा, जैसे मैंने पहले भी बताया है थोल लेक के नाम से, और एक बताया था मैंने एक सुरिंसर नाम से, नहीं सुरिंसर मानसर अलग है, और एक है सुरसागर, माफ कीजिएगा सुरसागर, सुरसागर जो है वो गुजरात में पड़ती है, जो मेंशन ना हो वो लिखिए। और टोडोबा और लोनार ये मुख्य तौर पर दोनों मिलती हैं महाराष्ट्र वाले रीजन में। मॉर्निंग में करंट अफेयर रोज सुबह 7 बजे कैरियर विल ऐप पर फ्री बैच में होती है आप सभी के लिए, ज्वाइन कर लीजिएगा भाई, क्योंकि वही सवाल आप बार बार ना पूछे। निम्नलिखित में कौन सी पराग्वे की राजधानी है? पराग्वे, पहले आपको यह पता होना चाहिए पैरागुए जो है ये साउथ अमेरिका के कॉन्टिनेंट में आता है, और यहां 4 नाम दिए गए। देखो ये भी याद रखना है कि ब्रासिलिया जो है वो ब्राजील की राजधानी है, ब्रासिलिया तो ब्राजील में होती है, कैरेकस नाम की जगह जो है राजधानी ये तो वेनेजुएला में होती है, लेकिन ये दोनों बड़े परेशान करेंगे मोंटेवीडियो और एसेंशियन, तो एसेंशियन जो होती है ये पैरागुए की होती है, एसेंशियन जो है ये पैरागुए की है, क्यों? क्योंकि मोंटेवीडियो जो है वो उरुग्वे की है, तो उरुग्वे की राजधानी मोंटेवीडियो, इसलिए एसेंशियन जो है वो पैरागुए की राजधानी, जो याद नहीं होता मुश्किल से वो करा करो, ठीक है। चलिए भाई बिल्कुल बिल्कुल कंप्लीट करा रहे हैं भाई, उसके अंदर कराना शुरू कर दिया। डोडोमा इज अ कैपिटल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? डोडोमा जो है वो किस देश की राजधानी है? तंजानिया की, इथोपिया की, युगांडा या इरिटीरिया की? देखो मैं इरिटीरिया की राजधानी नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं बता चुका हूं, और जो बता चुका हूं वो आप बताएंगे मुझे, क्योंकि अगर बार बार मैं ही रिपीट करूंगा तो फिर मुश्किल हो जाएगी। एक राजधानी युगांडा की है कंपाला, इथोपिया की राजधानी है अडिस अबाबा, तंजानिया की राजधानी है डोडोमा, ये याद रखेंगे आपको क्योंकि अफ्रीका में ही परेशान होते हैं ज्यादातर, भारत के नॉर्थ ईस्ट में और वर्ल्ड में अफ्रीका में। और इरिटीरिया की राजधानी जो हम पहले भी कर चुके हैं, जिसे अफ्रीका का मियामी कहा जाता है, ये आपके पास असमारा कहलाती है, सभी को याद आ गया था असमारा जो है वो इरिटीरिया की है, ठीक है भाई, इसी को कहा जाता है मियामी ऑफ अफ्रीका। इथोपिया की मुद्रा कौन सी है? इथोपिया की मुद्रा कौन सी है ये बताओ। और युगांडा में शिलिंग चलती है, बिल्कुल सही बात है आपकी, तो युगांडा में और केन्या में शिलिंग चलती है, यहां से समझो। रैंड चलती है साउथ अफ्रीका में, यह बड़ा जबरदस्त है, साउथ अफ्रीका की करेंसी रैंड है। क्रोना कई देशों में चलती है, नॉर्वे में चलती है, डेनमार्क में चलती है, स्वीडन में स्वीडिश क्रोना चलती है, तो स्वीडन में चलती है, डेनमार्क में चलती है, मुख्य तौर पर यह करेंसी याद रखना, कई देशों में नाम होता है। शिलिंग नाम की करेंसी केन्या में चलती है, युगांडा में चलती है, लेकिन बिर नाम की जो करेंसी है ये इथोपिया में चलती है। आपको याद हो लोटी नाम की करेंसी भी होती है, लेव नाम की करेंसी भी होती है, ठीक है, और कीना नाम की करेंसी भी होती है, सारी करेंसियां पढ़ाएंगे हम लोग, इथोपिया की राज करेंसी बिर है। निम्नलिखित में कौन सी सीरिया की मुद्रा है? सीरिया जो कि अरेबियन कंट्रीज में आता है, सीरिया देश है, दुनिया का सबसे अशांत देश सीरिया है। और सीरिया की पहले तो मैं राजधानी का जिक्र कर लूं, अगर सीरिया की राजधानी को दमश्क बोलते हैं लेकिन डेमेकस पढ़ते हैं इसे दमश्क पढ़ा जाता है बेसिकली। और यहां की मुद्रा क्या है? क्योंकि अरब देशों में दीनार चलती है, रियाल चलती है, ये सब एग्जाम में सवाल आते हैं आपके पास। रैंड साउथ अफ्रीका की मुख्य तौर पर है, और भी हो सकते हैं वैसे, लेकिन यहां पर चलता है सीरियन पाउंड, तो सीरिया में चलता है सीरियन पाउंड। लीरा जो चलता है ये तुर्की में चलता है, लीरा जो है ये तुर्की में चलता है। रियाल कई देशों में है वैसे तो, लेकिन मुख्य तौर पर देखें तो ईरान में चलता है। दीनार कई देशों में है, और दीनार की बात करें अगर तो इराक में दीनार ही चलता है, इराकी दीनार होता है, इराक में दीनार है, ईरान में रियाल है, सऊदी अरब में रियाल अलग से होता है, वो अलग तरीके का रियाल होता है, फिलहाल इसको याद रखेंगे। और तुर्की में चलता है लीरा, सीरिया में चलता है पाउंड। 2022 में प्रकाशित वैश्विक शांति सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? चलिए भाई बताइए मुझे कि शांति की जो रिपोर्ट आई है 2022 में, शांति सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या होने वाली है? और दीनार कुवैत की भी है, बिल्कुल सही बात है, कई देशों में दीनार चलता है, कुवैत में भी चलता है, ठीक है।
कतर में रियाल चलता है जहां भी फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन हुआ है। अब 2022 में जो सबसे ज्यादा शांति वाला देश है दुनिया का वो आइसलैंड देश है, और हमारे भारत 2021 में भी और 2022 में भी भारत की रैंक में कोई परिवर्तन नहीं है। 21 हो या 2022 हो, 135वां नंबर हमारा है। भारत के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर हैप्पीनेस में 136 है बिल्कुल। तो यहां पर सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर जो रहे आज तक, और आपको यह पता होना चाहिए कि भारत में कितने ग्रैंड मास्टर हैं, तो 77 भारत में 77 ग्रैंड मास्टर हैं, 77 ग्रैंड मास्टर हैं। तो बिल्कुल याद रखें और बताएं मुझे ये जो 77th जो ग्रैंड मास्टर बना है भारत का उसका नाम क्या होगा, वो भी आप आंसर कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा बाकी के पॉइंट्स को याद रखिए सबसे पहले। तो चलिए भाई कोई बताएगा मुझे, सबसे कम उम्र के जो हैं वो गुकेश डी ही हैं, डी गुकेश या गुकेश डी कहा जाएगा इन्हें, और भारत में 77 है, और वर्ल्ड में अभिमन्यु मिश्रा हो जाएंगे, आदित्य मित्तल जो मुंबई के हैं अभी वो 77th बन चुके हैं। निम्नलिखित में कौन सा भारतीय राज्य व्यापक रूप से यूरोपीय राष्ट्र पोलैंड जितना बड़ा है? देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में कि लगभग पोलैंड का जो एरिया है, लगभग मैं बात कर रहा हूं, करीब करीब वो 3,24,000 स्क्वायर किलोमीटर के अराउंड में आता है पोलैंड का एरिया है, और इस एरिया के बराबर लगभग आपको बताना है कि भारत में कौन से राज्य का एरिया आता है। तो जो पोलैंड का एरिया है लगभग उसके हिसाब से, तो करीब करीब पोलैंड का एरिया है 3,22,000, 3.22 लाख स्क्वायर किलोमीटर कहते हैं हम इसे, और इसके नियर बाई आपको बताना है कि इसके आसपास 3.22 लाख स्क्वायर किलोमीटर के आसपास कौन से राज्य का है, बिहार का, उड़ीसा का, महाराष्ट्र का, मध्य प्रदेश का। तो याद रखें मध्य प्रदेश का जो है लगभग वो 3.08 के आसपास है, 3 लाख स्क्वायर किलोमीटर के आसपास, क्योंकि मध्य प्रदेश जो है वो राजस्थान के बाद महाराष्ट्र और उसके बाद मध्य प्रदेश और उसके बाद उत्तर प्रदेश, 2,40,000 स्क्वायर किलोमीटर लगभग है। तो अप्रोक्सीमेशन में बात चल रही है ये, तो आप कहोगे मध्य प्रदेश के बराबर है पोलैंड का एरिया। पहला कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन कब किया गया था? तो कॉमनवेल्थ गेम्स बहुत सारे हैं और फ्यूचर में कॉमनवेल्थ गेम्स होने वाले हैं, लेकिन इनका आयोजन पहली बार कब हुआ था, कहां हुआ था ये बताना है। तो पहली बार जो आयोजन हुआ था वो कहां हुआ था, उसके बाद 19वीं बार जो हुए कॉमनवेल्थ, 19वीं बार जो थे वो हुए 2010 में, उसके बाद 2014 में हुए, 2018 में हुए और 2022 में हुए। तो चलिए बताइए 2022 में, और अगली बार 23वीं बार 2026 में कहां पर होंगे? तो यह पता हो कि पहली बार इनका आयोजन 1930 में कराया गया था, लेकिन किस देश में कराया गया वो याद होना चाहिए। सब है बिल्कुल, चलिए बात क्लियर हो रही है यहां पर, तो देखेंगे ध्यान से। तो पहला जो हुआ था वो कनाडा के हैमिल्टन में हुआ था, पहली बार जो हुआ था वो हैमिल्टन में हुआ था कनाडा के अंदर, सबसे पहले कॉमनवेल्थ गेम्स, और उसके बाद 2010 में दिल्ली में हुए थे याद रखना, भारत में 2022 के बर्मिंगम में हो चुके हैं यूके में, बर्मिंगम यूके में हो चुके हैं, और 2026 के होंगे ये विक्टोरिया में, विक्टोरिया के अंदर जो कि ऑस्ट्रेलिया में होगा। तो 2026 के गेम्स जो है ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में होंगे। देखो मैं फिर कह रहा हूं आपसे, जिसने सिर्फ क्वेश्चन पढ़ा और आंसर दिया फिर तो कुछ नहीं होने वाला उसका जीवन में, क्वेश्चन बार बार वो नहीं आएगा, कोई कितना महान टीचर हो, पूरी किताब छाप दे आपके सामने क्वेश्चन की, इतने क्वेश्चन करा दे, 2,500-3,000 क्वेश्चन, 5,000 क्वेश्चन, फिर भी नहीं आएंगे एग्जाम में। लैंग्वेज तो बदलेगी ही बदलेगी, कंसेप्ट क्लियर हो, क्वेश्चन कुछ भी आ जाए। तो बर्मिंगम में हो चुके हैं, विक्टोरिया में अगली बार होंगे। एक किसान जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर तक जोत है, यानी कि लैंड एरिया जमीन है, उसे क्या कहा जाता है? चलिए जल्दी से बताएं, बर्मिंगम ऑस्ट्रेलिया में भी तो है, नहीं भाई बर्मिंगम अमेरिका में है एक, और यूके की बात चल रही थी वहां। 1 से 2 हेक्टेयर की जमीन हो अगर,
तो उसको क्या माना जाता है, देखो जिसके पास, बात समझना, जिसके पास एक हेक्टेयर तक हो, अप टू वन हेक्टेयर, जिसके पास एक हेक्टेयर तक हो उसको सीमांत कहा जाता है, जिसके पास एक से दो हो उसको लघु कहा जाता है, जिसके पास, इसमें भी मीडियम भी दो प्रकार के होते हैं, और मीडियम में, और मीडियम में क्या होता है कि दो से लेकर दस तक, दो से चार और चार से दस सेमी मीडियम और अपर मीडियम होते हैं, लो मीडियम हाई मीडियम होते हैं, और उसके बाद दस हेक्टेयर से अबव हो, अगर अबव टेन हेक्टेयर, तो उसे कहा जाता है बड़ा किसान। तो इस तरीके से आप कहोगे एक से दो मतलब स्मॉल फार्मर कहा जाता है। तो एक होता है सेमी मीडियम और एक होता है मीडियम, मीडियम में दो होते हैं, मीडियम और सेमी मीडियम के नाम से इस तरीके से स्मॉल फार्मर होगा। डेविंसी और वेरिटस ये दोनों नासा द्वारा मिशन हैं जो किससे संबंधित हैं, डेविंसी और वेरिटस नाम के दो मिशन जो नासा लेकर आया है। देखो यहां वी फोर क्या है और यहां वी फोर क्या है, अगर आप इनको भी समझ लेते हैं तो ये दोनों जो हैं वो वीनस के हो गए, ये शुक्र ग्रह पर जाएंगे, यानी अब नासा अपना जो चांद मून और मंगल ग्रह की खोज हो चुकी है, अब वो बात वीनस की करेगा। चलिए भाई ये वीनस से संबंधित। ब्लैक बक नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है जो अपनी ब्लैक बक की आबादी के लिए सबसे प्रसिद्ध है, तो बताएं मुझे ये ब्लैक बक जो है ये किस जगह का नेशनल पार्क, और आज ही की क्लास में मैंने बात की है, क्योंकि हम अगर सारे नेशनल पार्क की बात करें, जैसे रणथंबोर नेशनल पार्क है राजस्थान में, डेजर्ट नेशनल पार्क है राजस्थान में, जैसे महाराष्ट्र की बात करें तो बहुत सारे नेशनल पार्क आते हैं महाराष्ट्र के अंदर, और उसमें से एक गुगमल नेशनल पार्क के नाम से आता है जो फेमस है एग्जाम में। गुजरात की बात हो चुकी है, मध्य प्रदेश की बात करें तो यहां भी तमाम बहुत ज्यादा आते हैं, 11-12 लिस्ट आती है मध्य प्रदेश में, तो यहां पर बांधवगढ़ की लिस्ट आती है यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट, लेकिन ब्लैक बक नेशनल पार्क जो है ये गुजरात में है। तुंगनाथ मंदिर भारत में कहां पड़ता है आपको बताना है, ये किस शहर में स्थित है, चमोली मंडी और चंबा या रुद्रप्रयाग में तुंगनाथ मंदिर, तो भगवान शिव को समर्पित एक मंदिर है, और करंट की क्लास ऐप पर सेव नहीं है, हो जाएगी भाई, आ जाएगी वो क्लास, कोई दिक्कत नहीं है भाई। तो तुंगनाथ मंदिर जो है वो रुद्रप्रयाग में पड़ता है, यानी उत्तराखंड में आता है, क्योंकि मंदिर स्टेडियम कोई किला कुछ भी हो एग्जाम में सब पूछा जा रहा है। किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए हर साल सरस्वती सम्मान दिया जाता है, सरस्वती सम्मान जो है वो किस फील्ड में दिया जाता है। चलिए ऐप पर सेव हो जाएंगी सारी चीजें, पीडीएफ लगातार मिल रही है, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ आ जाती है। तो सरस्वती सम्मान जो दिया जाता है वो लिटरेचर में दिया जाता है, इस बार ये सम्मान रामदर्श मिश्रा जी हैं हमारे एक, उनको दिया गया, यानी कि रामदर्श मिश्रा है जो इस बार के विजेता है सरस्वती सम्मान के। चलिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन सी है, संयुक्त राष्ट्र महासभा की, संयुक्त राष्ट्र महासभा में आज तक 77 अध्यक्ष बने हैं संयुक्त राष्ट्र की महासभा में, और अभी जो है वो हंगरी के हैं याद रखना, लेकिन पहली महिला कौन बनी थी और पहली भारतीय कौन बनी थी, पहली भारतीय भी है और पहली महिला भी है 1953 में, और उनका नाम हम बार बार पढ़ते हैं, मिसिज विजय लक्ष्मी पंडित। याद रखना यूएनओ में भारत का कोई सचिव नहीं बना आज तक, यूएनओ का सचिव अलग है, जनरल असेंबली का चीफ अलग है, दोनों बातें डिफरेंट होती हैं। अब की बार हंगरी के हैं। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन का मुख्यालय कहां पर है, जो पेट्रोल बेचने वाले देश हैं उनको ओपेक बोला जाता है, जो कि तेल बेचने वाले देशों का एक संगठन ओपेक कहलाता है, और इस ओपेक के अंदर दुनिया के 13 देश शामिल हैं, ऑब्वियस भारत नहीं हो सकता, और यह संगठन 1960 में बना था, और इस संगठन के जो चीफ है उनका नाम हैथम अल गैस। भाई अगली बार इनमें से कुछ भी पूछूंगा तो गलत नहीं आना चाहिए, हैथम अल गैस है जो कि कुवैत के हैं, स्पेलिंग अलग हो सकती है लगभग लेकिन नाम यही है। और अब सवाल बचता है कि इसका मुख्यालय कहां है, इसे बनाया तो बगदाद में गया था लेकिन अब इसका मुख्यालय दुनिया के सबसे रहने योग्य शहर यानी कि वियना में, मोस्ट लाइवेबल सिटी इन द वर्ल्ड। तो बताइए मुझे जल्दी से
दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है, कमेंट करके बताइएगा। और पहले से ही है तो कुवैत में बना था या बगदाद में बना था, लेकिन अब ये वियना में है, तो बताएं मुझे सबसे महंगा शहर दुनिया में कौन सा बन चुका है। सिंगापुर और न्यूयॉर्क, ये दोनों शहर सबसे महंगे हो चुके हैं। नंदूर मधमेश्वर बर्ड सेंचुरी जो है वो कहां पर है, नंदूर मधमेश्वर बर्ड सेंचुरी बीसीसीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में ही आता है, बिल्कुल आप जानते हैं। और नंदूर मधमेश्वर पक्षी अभयारण्य कहां पर होने वाला है, तो नाम देखकर क्या लग रहा है आपके पास, ये बर्ड सेंचुरी है, ये एक्चुअल में एक रामसर साइट भी है, क्योंकि इस तरह की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बर्ड सेंचुरी रामसर साइट में आती है। और यहां पर याद रखना, हमने राजस्थान के बारे में ऑलरेडी बहुत सारी चीजें पढ़ी हुई हैं, क्योंकि राजस्थान का जिक्र तो बार बार आता रहता है, ठीक है। जैसे सांभर लेक है, केलावदेव नेशनल पार्क है, मध्य प्रदेश का जिक्र हम करते हैं, लेकिन नंदूर मधमेश्वर बर्ड सेंचुरी महाराष्ट्र में आती है। हरेला महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो हरेला फेस्टिवल जो मनाया जाता है, अभी हम बात कर चुके हैं हरेली और हरेला में अंतर है, हरेली छत्तीसगढ़ में होता है और हरेला जो है वो आपके पास उत्तराखंड में होता है ये महोत्सव, तो हरेला महोत्सव जो है। और इसके अलावा इगास है, फूलदेई महोत्सव है, ये सभी उत्तराखंड में मनाए जाते हैं। हिमाचल में मैंने आपको बताया, पंजाब में तो आप जानते हैं बहुत सारे त्यौहार हैं, हरियाणा में खासतौर पर अगर आप देखें तो कोई बहुत बड़े लेवल पर कोई स्पेसिफिक फेस्टिवल जो है हरियाणा का वो नहीं मनाया जाता। अपर्णा पोपट किस खेल से संबंधित खिलाड़ी है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बार बार आ रहे खिलाड़ियों के नाम के साथ, जैसे मैंने बताया था तारा अय्यर के नाम से और सचदेव के नाम से एक आया था, और अपर्णा पोपट जो है ये किस खेल से संबंधित है, तो याद रखना आपके पास नाम तो जितने चाहे उतने लिखवा लो। मणिका बत्रा का नाम बड़ा फेमस है, टेबल टेनिस से आती हैं, टेनिस के अंदर तो बहुत सारे नाम भारत से हैं ही, शतरंज की बात करें तो उसमें अभी जितने ग्रैंड मास्टर बन रहे हैं वो सारे शतरंज के हैं, और बैडमिंटन में कई सारे नाम, साइना नेहवाल के बाद अगर बड़े नामों की बात करें अभी तो अपर्णा पोपट का भी नाम उसमें शामिल हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं, विजय खंडूजा भारत के राजदूत किस देश में है, यानी भारत के राजदूत हैं और ये किस देश में बने हुए हैं। अब आपको ये सिर्फ याद नहीं करना है बल्कि ये जानना है कि यहां पर किस देश में कौन है, जैसे इजराइल के अंदर बने हुए संजीव सिंगला, ये मैं बार बार पढ़ाने की कोशिश इसीलिए करता हूं। जो भूटान में बनी हुई थी वो रुचिरा कंबोज थी और वो यूएनओ में जा चुकी हैं, रुचिरा कंबोज। और यहां पर एक दलेला बने हैं, उनका नाम है सुधाकर दलेला, सुधाकर दलेला है, स्पेलिंग वगैरह बताते रहना मुझे, सुधाकर दलेला के नाम से हैं। और अभी वेनेजुएला देश में अभिषेक सिंह होंगे, अभिषेक सिंह होंगे वेनेजुएला में, अभिषेक तो नाम है उनका। और जिम्बाब्वे में बने हैं विजय खंडूजा, और जिम्बाब्वे जो कि दुनिया की सबसे वर्स्ट सबसे खराब इकोनॉमी में से एक है, उस देश के राजदूत है भारतीय। मोनेको ग्रैंड प्रिक्स 2022 किसने जीत लिया है, मोनेको ग्रैंड प्रिक्स याद रखना, बिल्कुल याद रखना, पहले था तेल अवीव लेकिन अब हो चुका है सिंगापुर और न्यूयॉर्क सबसे महंगा शहर, ये बदलता रहता है भाई, आज ही की वो करंट अफेयर थी। तो मोनेको में होने वाली जो फॉर्मूला वन जो कार रेस हुई थी उसका विजेता कौन बना था, देखो एक साल यानी इस साल में 23 फॉर्मूला वन रेस हुई है और इसके जो बने थे, क्योंकि इस साल लुइस हैमिल्टन के नसीब में कुछ नहीं रहा, तो यहां पर एक नाम आता है सर्जियो पेरेज, तो सर्जियो पेरेज ने जीती थी मोनेको ग्रैंड प्रिक्स 2022 जो हुई थी। चलिए भाई सरलाम मकाई किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है, तो सरलम कई नाम से देखो आपके पास है, और यह मैं अभी बता भी चुका हूं, अगर आपने ध्यान से देखा हो कि इस तरह के जो नाम बताए मैंने आपके पास कि कौन सा कहां से आता है, अगर ये याद रखा है आपने, कर लिया इसे याद, तो चीजें देखिए कितनी बेहतर हो जाएंगी, वरना बहुत मुश्किल है। और कई सारे फेस्टिवल हैं आपके पास, कई सारे डांस फॉर्म्स हैं। तो अब देखो यहां पर मणिपुर भी है, मिजोरम भी है, मेघालय भी है, नागालैंड भी है, और कई सारे डांस फॉर्म्स आते हैं आपके सामने, तो बस यहां पर याद रखना है ये जो सरलम कई के नाम से होने वाला एक डांस है,
ये कहां पर होगा? अभी हमने नागालैंड का कौन सा याद किया था? बिल्कुल याद आ जाना चाहिए, नागालैंड के बारे में हम अभी अभी डिस्कस कर चुके हैं। तो सरलम कई जो एक डांस फॉर्म है एक्चुअल में, ये जो मिजो कम्युनिटी होती है मिजोरम की, मिजो कम्युनिटी वो करती है, ठीक है? तो इसको याद रखेंगे। और इससे पहले चैंगलोंग की बात की है जो हमने, वो नागालैंड राज्य से था, मिजोरम से है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी जनसंख्या बढ़ने के बजाय कम हो गई है? तो चलिए भाई कोई बात नहीं, अजीब अजीब नाम मैं इसलिए लेकर आऊं, सब प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। यही वो सवाल है जो छूट जाते हैं हमें। देखो तुक्का लगाना नहीं है, हमें सोचना है पहले तो, और अगर हम नहीं सोच पा रहे तो क्या होगा? गलत ही तो होगा, होने दीजिए गलत, क्या फर्क पड़ता है? यहां गलत कितनी बार कर लो, दो बार कर लो, चार बार कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कम से कम पता तो चल रहा है यहां पर कि मिजोरम में चापचार कुट एक लिखा हुआ था, स्लेश करके दूसरा भी हो जाएगा, और हो सकता है अगली बार हमसे क्वेश्चन पूछे तो सही हो जाए। तो नोट्स को ऐसे ही बनाया जा सकता है, आप ढूंढेंगे ना किसी पीडीएफ में, मैं गारंटी से कह रहा हूं, किसी पीडीएफ को ढूंढ लीजिए आप जहां डांस लिखे हो, वहां पर आपको सारे मिल ही नहीं सकते। और एग्जाम में ऐसे ऐसे नाम पूछ रहे हैं जो किसी वेबसाइट पर ढूंढने में बड़ी मुश्किल हो रही है, हम लोगों को पता नहीं चल पा रहा है, जब तक उसका नाम ना डालो वो मिल ही नहीं रहा है। वरना मैं कहूं केरल के डांस निकालो, तो केरल के डांस तो मिल रहे हैं हमें, लेकिन वो नहीं मिल रहा जो हमें चाहिए। तो ये करना पड़ेगा, हमें कोशिश करनी पड़ेगी। तो एक ही ऐसा राज्य था 2011 में जिसकी आबादी कम हुई थी, अदरवाइज हर किसी की आबादी बढ़ी थी, ऑब्वियस है बढ़ती आबादी, लेकिन नागालैंड की कम हो गई थी 2011 की जनगणना में। चलिए भाई नेक्स्ट, कुल्पी बंदरगाह कहां पर है, किस राज्य में संचालित हो रहा है, किस राज्य में है कुल्पी पोर्ट? अब आपने पोर्ट तो पढ़े, लेकिन फिर बात सोचिए, अगर पोर्ट पढ़े हो और पोर्ट पढ़ने के बाद और फिर भी आपसे गलत हो जाए कि इतने सारे पोर्ट याद कर लिए, दुनिया के याद कर लिए, वर्ल्ड के याद कर लिए, ये कुल्पी पोर्ट कहां हो सकता है? क्या लग रहा है आप लोगों को? उड़ीसा में, बंगाल में, महाराष्ट्र में या गोवा में? तो ये कुल्पी नाम का जो बंदरगाह है ये बंगाल में होने वाला, वेस्ट बंगाल में। तो बस आपको क्या करना है वहां पर, तो बस आपको क्या है कि अपने पास जो पोर्ट वाला पेज है वहां जाओ, बंगाल के आगे जिसमें आपने हल्दिया पोर्ट लिखा हुआ है बंगाल में, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट लिखा हुआ है बंगाल में, वहां अब एक और याद कर ले कुल्पी पोर्ट के नाम से। आसन बैराज पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ये आसन बैराज बर्ड सेंचुरी जो एक रामसर साइट भी है, और ये इस राज्य की एकमात्र है। तो आप मुझे अंदाजा लगा के बताएं, आसन बैराज इस नाम का जो पक्षी अभयारण्य होने वाला है बर्ड सेंचुरी, ये कहां मुमकिन आपको लगती है? देखो वैसे तो हर राज्य का आपको याद करना है, लेकिन ये आसन बैराज के नाम से जो है वो उत्तराखंड में आता है। आसन बैराज के नाम से जो है ये एकमात्र रामसर स्थल है उत्तराखंड का, बर्ड सेंचुरी है। तारा अय्यर किस खेल से प्रसिद्ध खिलाड़ी है? देखो अभी हम इनकी बात कर रहे थे, इनका जिक्र कर रहे थे कि तारा अय्यर का नाम है देखो यहां पर, तो ये किस खेल से संबंधित है? इस तरीके के बहुत सारे नाम आएंगे आपके पास। अभी अपर्णा पोपट का नाम आया था और अब नाम है तारा अय्यर का, तो क्या लगता है आपको ये किस से हो सकती है? भारतीय खिलाड़ी हैं। अब यहां पर आपके पास पूरी लिस्ट होनी चाहिए और उन खिलाड़ियों के नाम होने चाहिए, कम से कम हर खेल के 12, 15 या 20 नाम होने चाहिए जो न्यूज में चल रहे, किसी न किसी तरह के मेडल जीते हैं। तो ये टेनिस है, भारतीय टेनिस से आती है। निजाम गोल्ड कप का संबंध किससे है? यहां पर थोड़ा सा क्वेश्चन में करेक्ट करूंगा और आप बताएंगे मुझे कि निजाम गोल्ड कप जो है ये किससे रिलेट करता है, क्योंकि इसमें एक जगह मुझे लग रहा है इसमें ऑप्शन गलत है। यहां पर आप मुझे इसके अलावा बताइए मुझे, निजाम गोल्ड कप जो मुख्य तौर पर है वो किससे रिलेट करता है, क्योंकि ये बार बार आता है। तो यहां पर ऑप्शंस को बदलना जरूरी है कि निजाम गोल्ड कप जो है आपके पास, ये आपके पास आता है, मैं यहां लिख देता हूं, बी ऑप्शन बना देता हूं, हॉर्स रेसिंग। तो निजाम गोल्ड कप जो है वो हॉर्स रेसिंग यानी घुड़दौड़ कहा जाता है इसमें, घुड़दौड़ से रिलेट करता है। तो घुड़दौड़ यानी हॉर्स रेसिंग से रिलेट करता है। अब सवाल यह बनता है, फुटबॉल से क्या आता है, पोलो से क्या आता है, हॉकी से क्या आता है, क्रिकेट से क्या आता है? देखो क्रिकेट से रणजी भी आता है,
क्रिकेट से ईरानी ट्रॉफी भी आता है, क्रिकेट से दिलीप ट्रॉफी भी आता है, क्रिकेट से देवधर ट्रॉफी भी आता है, क्रिकेट से ही मुश्ताक अली ट्रॉफी भी आती है जो कि इस बार मुंबई ने जीती है। अब आप देखो ना, इसकी लिस्ट बनाओ जरा कितनी बनती है। अगर आप बात पोलो की कर रहे हैं मेरे साथ, तो पोलो भी कोई ऐसा नहीं है कि पोलो के बारे में कुछ नहीं पता होगा आपको। राधा मोहन कप पोलो में होता है, याद करके देखो, राधा मोहन कप पोलो में होता है, इजरा कप पोलो में होता है, यह भी याद रखना। हॉकी में बात करें, आगा खान कप होता है, अजलान शाह कप होता है, अजलान शाह कप होता है, सिंधिया कप होता है, बैटन कप होता है, ध्यानचंद कप होता है। तो बहुत कप हैं जो कि हॉकी में होते हैं, तो बट फिलहाल हम एक साथ सबको याद नहीं रख सकते, एक साथ सब कुछ नहीं कर सकते, बट थोड़ा थोड़ा याद करें तो हॉर्स रेसिंग में होता है निजाम गोल्ड कप, याद हो रहा है भाई सभी को। चलिए, निम्नलिखित में कौन सी भारत की क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों की नियामक निकाय है? भारत में जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां हैं इनको कौन रेगुलेट करता है? और ये मैं नहीं बताऊंगा क्लास में, इजरा कप पोलो में है सर, बिल्कुल मैंने बताया आपको, बिल्कुल वही लिखा मैंने, इजरा कप पोलो में है। लेकिन ये क्वेश्चन नहीं कराऊंगा मैं आपको, क्योंकि मैंने कल ही बताया था यानी पिछली क्लास में कि सेबी जो है वो शेयर बाजार भी करता है और क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां भी करता है सेबी। IRDA वाला जो है ये तो इंश्योरेंस को करता है, IRDA वाला तो इंश्योरेंस के लिए काम करता है, और सेबी शेयर बाजार और ये जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां हैं इनको भी करता है। तो ये गलती नहीं होनी चाहिए, क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, ठीक है। टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है, बताइए। देखो हर तरह के क्वेश्चन में लेकर आ रहा हूं और बस आपसे उम्मीद करता हूं कि एक बार हर एक स्टूडेंट इस इवेंट को शेयर कर दे, क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि एफर्ट्स किए जा रहे, मेहनत की जा रही है, क्वेश्चंस को खुद बनाया जा रहा है अगर, तो उसको कर दें भाई एक बार, टेबल टेनिस। अब रशिया का जो राष्ट्रीय खेल है, सिर्फ मैं कह रहा हूं चार ऑप्शन को भी ध्यान दे दो अगर आप, तो बैंडी कहलाता है। चीन में जो है वो टेबल टेनिस कहलाता है, इंडोनेशिया में हम याद कर चुके हैं इसमें बैडमिंटन है, और नेपाल की बात करूं तो नेपाल का राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है। अगली बार सवाल हो जाएगा बैंडी कहां का है, तो वो रशिया का होगा, लेकिन टेबल टेनिस तो चाइना का है। और भारत की जो टेबल टेनिस फेडरेशन के अध्यक्ष हैं वो दुष्यंत चौटाला की पत्नी मेघना अहलावत बन गई हैं, रीसेंट न्यूज, आपको यह भी याद रखनी है। कौन सा भारत और उज्बेकिस्तान के बीच एक संयुक्त अभ्यास है? भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में एक संयुक्त अभ्यास है जो, वो कौन सा होगा? देखो मैं बार बार कह रहा हूं यहां पर, हरिमऊ शक्ति जो है वो भारत और मलेशिया के बीच में है। अगर आपको नहीं पता, सीधा सीधा उल्टा करके पढ़ लीजिए, भारत मलेशिया ये नहीं हो सकता। मैत्री की बात करें, इंडिया और थाईलैंड के बीच जो होता है उसको मैत्री कहा जाता है, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। इंडिया नेपाल के बीच में शुरू हो चुका है सूर्य किरण, तो ये भी नहीं हो सकता। तो बच गया हमारे पास दस्तलिक, जो कि इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच होगा। प्रबल दोस्ती की इंडिया कजाकिस्तान है, खंजर इंडिया किर्गिस्तान है, डिफरेंस याद रखना है। और अभी हाल ही में नेपाल और पीटी करवा दिया था। चलिए भाई, मलय किस देश की भाषा है? मलय किस देश की भाषा है, याद रखना। तो मलय भाषा किसके, देखो भूटान की भाषा को जोंखा कहा जाता है, भूटान की भाषा याद आ गई होगी जोंखा है, चीन की भाषा याद आ गई होगी मैंड्रिन है, याद रखना, म्यांमार की भाषा याद आ गई बर्मीज, और मलेशिया की राजभाषा और ब्रुनेई देश की भाषा भी जो है वो मलय है, याद रखना। तो मुझे बताओ हिंदी किस देश की आधिकारिक भाषा है, सभी का कमेंट आना चाहिए, हिंदी जो है वो किस देश की भाषा है। कोई बात नहीं है भाई, इस वीडियो को लाइव नहीं बाद में करें, जैसे करें आपकी मर्जी है, तो लेकिन मुझे बताएं हिंदी किस देश की है, भारत की नहीं है याद रखना, ये फिजी देश की है, हिंदी जो है वो फिजी की है, भारत की नहीं है वो। किस देश की संसद को कॉर्टस बोला जाता है? किस देश की पार्लियामेंट को कॉर्टस बोलते हैं बताओ मुझे? और मालदीव की भाषा दिवेही है, ठीक है, बिल्कुल। कॉर्टस किस देश की संसद को बोला जाता है? ये कह रहे ना क्वेश्चन कैसे आएंगे, ऐसे पूछेगा एग्जाम में। तो देखो भाई, जापान की संसद को डाइट बोला जाता है, रशिया की संसद को ड्यूमा बोला जाता है, भूटान की संसद को तसोंगड़ू बोला जाता है, यहां गलत हो गया भाई, चीन हटा देता हूं मैं, स्पेन लिख देता हूं, क्योंकि कॉर्टस जो है वो स्पेन की संसद को कहा जाता है।
तो स्पेन की संसद को कॉर्टस बोला जाता है। यहां पर ऑप्शंस में कुछ गड़बड़ हो गया था, तो डाइट रशिया की है और यहां पर थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया मैंने सवाल में, तो क्योंकि भूटान में तो तसोंगड़ू बोला जाता है, स्पेन की संसद में इसे कॉर्टस बोलते हैं। बंड्स बैंक किस देश का केंद्रीय बैंक है? किस देश के सेंट्रल बैंक को बंड्स बैंक बोला जाता है? तो बंड्स बैंक बोला जाता है किस देश में? देखो मैंने आपको बताया था स्वीडन में रिक्स बैंक बोला जाता है स्वीडन के अंदर। चाइना के अंदर पीपल्स बैंक ऑफ चाइना बोला जाता है, पीपल्स बैंक ऑफ चाइना बोलते हैं चाइना के सबसे बड़े बैंक को। अमेरिका के सबसे बड़े बैंक को फेडरल रिजर्व बोलते हैं, फेडरल रिजर्व बोलते हैं चाइना अमेरिका के सबसे बड़े बैंक को, और जर्मनी के सबसे बड़े बैंक को बंड्स बैंक बोला जाता है। तो ये अलग अलग नाम हर क्लास में रहता है आपके पास, चलिए कोई बात नहीं है आगे देखते हैं भाई। गोल क्रांति किस उत्पाद से संबंधित है? राउंड रेवोल्यूशन का जो संबंध है वो किससे रिलेटेड होगा? तो गोल क्रांति राउंड रेवोल्यूशन जो आया था वो किस चीज के उत्पादन को बढ़ाने के लिए था भाई दोस्तों? तो आलू के उत्पादन को बढ़ाने के लिए, क्योंकि येलो रेवोल्यूशन आया था तेल के लिए, झींगा के लिए आया था पिंक रेवोल्यूशन, फिशरीज के लिए आया था ब्लू रेवोल्यूशन, और तेल के लिए आया था येलो रेवोल्यूशन, लेकिन आलू के लिए आया था राउंड रेवोल्यूशन। बनेश्वर मेला कहां लगता है? चलिए बताइए, हर सवाल है इसके अंदर, मेला भी है त्योहार भी है सब कुछ होगा। बनेश्वर मेला कहां लगता है? बानेश्वर का मेला कहां लगेगा? छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, उड़ीसा में, ये कहां होने वाला है भाई? तो बनेश्वर फेयर जो होगा ये कहां होने वाला है? तो बनेश्वर फेयर जो हर साल लगता है और ये डूंगरपुर नाम के जिले में लगता है, एक्चुअली बनेश्वर का मेला ये लगता है राजस्थान के अंदर। एक लिस्ट बना लीजिए मेले के लिए, फेयर लिख दीजिए हेडिंग में और राजस्थान के नाम के आगे लिखते जाइए, फिर जो उड़ीसा के हैं जो इसके हैं बस फिक्स करते जाइए उन नामों के साथ। इससे पहले भी बताया था मैंने सोनपुर का मेला बिहार में, वो याद करा चुका हूं, पुष्कर का मेला राजस्थान में ही बात की थी और चंद्रप्रभा मेला भी बात की हमने। लेकिन अगला है, सिकमारी इज अ डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट? सिकमारी किस राज्य का डांस फॉर्म है? अभी देखिए क्वेश्चन आया यहां पर, आज ही हम लिख रहे थे बार बार, जैसे अरुणाचल का एक डांस है, अरुणाचल में एक डांस चलता है बारडो छेम नाम से, एक कश्मीर में एक डांस चलता है दुमहल के नाम से, या कश्मीर में एक डांस चलता है कुद के नाम से, या कश्मीर में एक डांस चलता है रऊफ के नाम से। अगली बार कुद पूछ लूं या दुमहल पूछ लूं या बारडो छेम पूछ लूं तो गलत मत कर देना। और सिक्किम में जो चलता है बेसिकली वो है सिकमरी डांस, एक फॉर्मेट है सिकमरी जो सिक्किम में होगा। और आज का आखिरी सवाल ले रहे हैं हम लोग, पाइका किस राज्य की नृत्य शैली है? पाइका जो है ये किस राज्य में होने वाला है? कुछ नया सा बताओ, कुछ अलग बताओ। 60 क्वेश्चन एवरीडे होते हैं हर बार, तो आज 3 क्लास यानी 180 क्वेश्चन पूरे, थर्ड क्लास में 180 क्वेश्चन पूरे हो गए। और हिकत भी है, बिल्कुल जम्मू कश्मीर में हिकत भी है, ठीक है बिल्कुल। और पाइका जो डांस है, देखो मध्य प्रदेश में भी कई डांस फॉर्मेट हैं, लेकिन पाइका नाम का जो डांस है वो छत्तीसगढ़ में होता है, माफ कीजिएगा झारखंड में होता है वैसे, क्योंकि ऐसे डांस जो होते हैं कई जगहों पर एक साथ होते हैं, लेकिन ये झारखंड में होता है, छत्तीसगढ़ में भी मिलता है, लेकिन मुख्य तौर पर जो डांस होगा पाइका डांस फॉर्म जो होगा वो झारखंड का होगा, और एक सैला के नाम से होता है सैला। पाइका अलग है, सैला अलग है, ये पढ़ना भी था आपको, तो इसलिए याद रखना ये डांस फॉर्म झारखंड का होगा। चलिए भाई आज के लिए इतना काफी है, उम्मीद करता हूं कि वीडियोस आपको पसंद आ रही, आपके लगातार आप जुड़े हुए, और 10 दिन का रिवीजन है मात्र, ये 10 दिन के रिवीजन के बाद फिर मैं आपके लिए कुछ नया लेकर आऊंगा, करंट अफेयर से जुड़ी कुछ बातें करूंगा आपके साथ जरूर। लेकिन मैं आपको बता दूं ये सारी चीजों को करने से पहले अगर आप मेरी छोटी छोटी वीडियो जो इसी चैनल पर अवेलेबल है, चाहे वो एयरपोर्ट को लेकर हो, चाहे वो झीलों को लेकर हो, चाहे वो रिसर्च इंस्टीट्यूट को लेकर हो, चाहे वो आपके पास डांस फॉर्मेट को लेकर हो, या फिर इसके अलावा अलग तरह की जो मैंने वीडियोस डाल रखी हैं राज्यों की रिलेटेड इंफॉर्मेशन पर हो, पड़ोसी देशों के बारे में बात की गई हो, राज्यों की भाषाओं पर बात हो, जिलों की संख्या पर बात हो, अगर ये सब कर कर आएंगे ना तो आपकी क्लास में जो क्वेश्चन है वो और बेहतर हो जाएंगे और अच्छे से आपकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी। इन सारी वीडियोज को आप जरूर चेक कर लें और उसके बाद क्लास ज्वाइन करते रहे। कल रात 8 बजे फिर मुलाकात करेंगे होपफुली। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।